वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद वकास और आप देख रहे हैं अपना चैनल मेडिसिन इंफॉर्मेशन। जो दोस्त चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाएँ। तो दोस्तों, आज हम जिस मेडिसिन का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है रिथमो ड्राप। ये किस किस बीमारी में इफ़ेक्टिव है, किन उम्र के बच्चों को दिया जाता है, इसका तरीका इस्तेमाल, इसको कितने दिन तक इस्तेमाल किया जा सकता है, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। रिथमो ड्राप की कंपोजिंग क्लिथ्रोमाइसिन से की जाती है। ये ड्राप्स हैं जो कि 9 से 10 माह से कम उम्र के बच्चों में दिए जाते हैं और सिरप 10 माह से बड़े बच्चों को दिया जाता है। ये सामी फार्मा का प्रोडक्ट है जो कि बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसकी कीमत 155 रुपये है। अब बात करते हैं ये किन किन बीमारियों में इफ़ेक्टिव है। दोस्तों, छोटे बच्चों में अक्सर गला ख़राब होना, सीने में इन्फेक्शन हो जाना, फेफड़ों में कोई मसला हो जाना, या कान का इन्फेक्शन होना, या गले का इन्फेक्शन होना, या फिर चेस्ट का इन्फेक्शन आमतौर पर बच्चों में ज़्यादा है, इन तमाम मसाइल में रिथमो ड्राप इस्तेमाल कराए जाते हैं। ये एंटीबायोटिक ड्राप्स हैं। अब बात करते हैं डोज़ की। तो दोस्तों, डोज़ डॉक्टर हमेशा बच्चे की कंडीशन के हिसाब से दी जाती है, यानी अगर मसला ज़्यादा हो और उम्र के हिसाब से 2 से 10 ड्राप दिए जा सकते हैं दिन में 2 मरतबा। ड्रापर इसके अंदर मौजूद होता है। ये पाउडर फॉर्म में होती है। इसको तैयार करने के बाद 14 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद बाकी मेडिसिन को ज़ाया कर दें। 14 दिन के बाद हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। बच्चों को हमेशा किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट को चेक करवाएं। इनकी रेकमेंड की हुई मेडिसिन ही इस्तेमाल करें। कभी भी बच्चे को खुद से मेडिसिन ना दें, क्योंकि बच्चे ना समझ और नाजुक होते हैं। तो डॉक्टर हमेशा बच्चे की कंडीशन के हिसाब से उनको मेडिसिन देंगे। अहम बात, छोटे बच्चों को ये मेडिसिन अगर ज़्यादा डोज पिलाएंगे तो बच्चों को अमूमन लूज़ मोशन हो सकते हैं। इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें। डॉक्टर जितनी डोज रेकमेंड करे उतनी ही बच्चे को पिलाएं। तो दोस्तों, ये थी आज की मेडिसिन। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर